एवरीवन, मेरा नाम है साधना कुशवाहा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपी बोर्ड की कक्षा 4 की इंग्लिश की बुक रेनबो के लेसन 1 वेकअप का वर्ड मीनिंग और उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी वर्ड मीनिंग। तो WAKE वेक यूपी अप, वेकअप का मतलब होता है जगना, वेकअप की मीनिंग है जगना। और LOVELY लवली, लवली मीन्स होता है प्यारा। DAY डे, डे मीन्स होता है दिन। PLEASE प्लीज़, प्लीज़ मीन्स होता है कृपया। COW काउ, काउ मीन्स होता है सॉरी COME कम, कम मीन्स आओ या आना। PLAY प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। SINGING सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब होता है गा रही हैं। TREES स्टेज मतलब पेड़, बहुत से पेड़, ऐसा लगा है इसलिए ट्रीज इसका मतलब बहुत से पेड़, ये प्लूरल नंबर में है। और LATE लेट, लेट मीन्स होता है देर। TOO MUCH मस्ट, टू मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा। LIE लाई, लाई मीन्स लेटे हुए या सोए हुए। HURRY हरी अप, हरी अप का मतलब होता है जल्दी। SLEEPY स्लीपी, स्लीपी मीन्स होता है सोए हुए। HONEST ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार। DUCK डक, डक मीन्स होता है बतख। और HORSES हॉर्सेज, हॉर्सेज मीन्स घोड़े। SHEEP शीप, शीप मीन्स होता है भेड़। TINIEST टीनियस, टीनियस मीन्स सबसे छोटा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर वेकअप का। पहले है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस दिए इसके आंसर्स लिखने हैं। जैसे है नंबर 1 ए में हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन पहले से ही जगा हुआ है। तो आंसर है द सन, ट्रीज, बर्ड्स एंड बीस आर ऑलरेडी अवेक। सन मतलब सूरज, ट्रीज पक्षी सॉरी पेड़, बर्ड्स मतलब चिड़िया एंड बीस मधुमक्खियाँ, ये क्या है पहले से ही जगे हुए हैं। नेक्स्ट है वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग, पक्षी कहाँ गा रहे हैं या चिड़ियाँ कहाँ गा रही हैं। आंसर द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। इस पोएम आप लोगों ने पढ़ा था ना कि बर्ड्स जो है पेड़ों पे, चिड़िया जो है पेड़ों पे गा रही हैं, तो वही इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच क्रिएचर्स वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डस, कौन से प्राणी जो हैं बच्चों के जगने से पहले जगे हुए हैं। आंसर है बर्ड्स, बीज, काउज, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन। बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, मधुमक्खी, काउज मतलब गायें, हॉर्सेस मतलब घोड़े, डक्स का मतलब बतखें, शीप मतलब भेड़ें एंड चिकन मतलब चूजे, ये सब क्या है बच्चों के जगने से पहले जगे हुए हैं। अब नेक्स्ट है विच वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड इन द पोएम। इस पोएम में जो है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिमिलर साउंड जो है बताने हैं, जैसे डे का सिमिलर साउंड क्या है ये बताना है। तो इस पोएम के अकॉर्डिंग डे का सिमिलर साउंड है प्ले, DAY डे, इसका सिमिलर साउंड है PLAY प्ले। TREES टीज, टीज का सिमिलर साउंड है बीज, BEES। BED बैट, बेट का सिमिलर साउंड है हेड, HEAD हेड। OUT आउट, आउट का सिमिलर साउंड है ABOUT अबाउट। SHEEP शीप, शीप का सिमिलर साउंड है चीप, CHEEP। अब नेक्स्ट है कुछ इसमें दिया है टॉक अबाउट डिफरेंट साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स विद द टीचर एंड लर्न इट, टीचर्स के साथ अपने कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड दिए हुए हैं उसको लर्न करना है। काउ, COW काउ, काउ का साउंड जो है, काउ कैसे बोलती है, बो, BOW। बी, बी मीन्स होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी का साउंड जो है बज है, BUZZ, बज का मतलब भिन भिनाना होता है। एंड कैट, CAT कैट, कैट का जो साउंड है म्यू, MEW। DOG डॉग, डॉग का साउंड है बार्क, BARK बार्क। लॉयन, LION लॉयन, लॉयन का साउंड है रॉर, ROAR। COCK कॉक, कॉक का जो साउंड है वो है डूडल डू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यूजफुल भी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।